तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2022 की तीन सबसे तगड़ी सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर्स की। तो पेयर का जड़ और टीम का ओपनर हमेशा मजबूत होना चाहिए, तभी इनका स्ट्रक्चर मजबूत बनता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीएल 2022 का सबसे बेस्ट ओपनिंग पेयर्स कौन सा है, यानी मैं आपको टॉप 3 बेस्ट ओपनिंग पेयर्स यानी सलामी जोड़ी के बारे में बताऊंगा रैंक वाइज। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, को लाइक कर दीजिएगा वगैरह वगैरह, तो पहले से कर दिया करो ना यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भाइयों बेस्ट ओपनिंग जोड़ी के मामले में मैंने तीसरे नंबर पे रखा है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर्स के ओपनर्स को। वैसे तो अभी ये बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि आरसीबी में ओपनिंग कौन करने वाला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आरसीबी के ओपनर्स होने वाले हैं विराट कोहली और फैंटास्टिक ड्यूप्लेसी। अगर विराट कोहली और फाफ ड्यूप्लेसी आरसीबी की ओपनिंग करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी होगा इस आईपीएल का, क्योंकि मुझे दोनों की काबिलियत को आपको बिल्कुल गिनवाने का जरूरत ही नहीं है कि ये कितना काबिलियत है इनमें कितना काबिलियत है। आपको पता है विराट कोहली किस लेवल के प्लेयर है, आपको पता है कि फाफ ड्यूप्लेसिस किस लेवल के प्लेयर है। फाफ ड्यूप्लेसिस तो पिछले साल बस 4-5 रन से ही चूके थे ऑरेंज कैप की रेस में। तो इसीलिए अगर ये दोनों आरसीबी के लिए ओपनिंग करते हैं तो आरसीबी को बहुत फायदा होने वाला है और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। ये मैंने इनको तीसरे नंबर पे रखा था, अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर के ओपनिंग जोड़ी की ओर। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे मैंने रखा है मुंबई इंडियंस के ओपनिंग जोड़ी को। मुंबई इंडियंस का जो ओपनिंग पेयर है यानी कि रो सुपर हिट शर्मा और ईशान किशन, दोनों ही बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं और ये दोनों इंडिया के लिए भी ओपनिंग कर चुके हैं। इस साल ईशान किशन तो आईपीएल मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं, 15.25 करोड़ में वो बिके हैं और मुंबई इंडियंस को उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद भी है। अगर मैं इन दोनों की ओपनिंग पेयर देखता हूँ तो राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है जो कि काफी फायदा देने वाला है टीम को, और इन दोनों की काबिलियत भी मुझे आपको गिनाने की जरूरत ही नहीं है। रोहित शर्मा, ईशान किशन, ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जिस दिन इनका दिन हुआ सामने वाले टीम को ये आंधी की तरह उड़ा देंगे। तो इसलिए मैंने इनको दूसरे नंबर पे रखा है। अब चलते हैं अपने पहले नंबर के ओपनिंग जोड़ी की ओर। तो भैया पहले नंबर पे मैंने रखा है इस साल नई ऐड हुई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनिंग पेयर को। लखनऊ सुपर जायंट का जो ओपनिंग पेयर है उसमें है केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक। कमाल लाजवाब राहुल और जबरदस्त डिकॉक, इन दोनों की मैं बात करूं तो दोनों ही अपने फील्ड में बहुत ही तगड़े प्लेयर थे। केएल राहुल इंडिया के लिए अभी करंट टीम के वाइस कैप्टन हैं और ये बहुत ही तगड़े ओपनर हैं। केएल राहुल की मैं बात करूं तो ये हमेशा ही ऑरेंज कैप की रेस में रहते हैं। ये थोड़ा सा संभल के जरूर खेलते हैं लेकिन जब ये अटैकिंग मोड में आते हैं तो सभी बल्लेबाजों को पीछे छोड़ देते हैं। बात करूं मैं क्विंटन डिकॉक की तो वो पिछले साल मुंबई इंडियंस में थे, मुंबई इंडियंस में उन्होंने कोई भी खराब नहीं किया है, वहां भी वो अच्छे करते ही आ रहे थे। डिकॉक को लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनके काबिलियत के हिसाब से के बहुत कम पैसों में खरीदा है। मुझे तो लग रहा था कि ये इस आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव बाय होने वाले हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक यानी लखनऊ सुपर जायंट्स की जो ओपनिंग जोड़ी है, ओपनिंग पेयर है, सलामी बल्लेबाज है, वो इस आईपीएल के सबसे डिस्ट्रक्टिव और बेस्ट ओपनिंग पेयर है अकॉर्डिंग टू मी। अब ये बेस्ट निकलते हैं या नहीं ये तो अब आईपीएल 2022 में जब आईपीएल शुरू होगा तो इनका परफॉर्मेंस से ही पता चलेगा। तब तक के लिए दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से रिक्वेस्ट है प्लीज भाई यो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देखते हैं तो पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।